आदाब नमस्कार सस्ता कलाम न्यूज नीट और हड़कम मचा सरकार हमने कमेटी बना दी सीबीआई यही मानना है शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा हो तादाद में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कहोगे पेपर लीक को लेकर। मैं ये सरकार को बीजेपी गूंगी पेरी सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि पेपर लीक के बारे में कुछ बोले और ये नीट एग्जाम वापस एग्जाम करा। अब ये बोलना चाहते हैं सरकार को कि एग्जाम वापस करो के साथ तू खिलवाड़ रहा है तो उनका जो तैयारी की है वो मेहनत खराब गई। मैं सरकार से बोलता हूँ ये नीट के एकदम दोबारा कराए। उन्होंने कमेटी बना तो दी जांच कमेटी सीबीआई जांच कर रही है कई लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। आपने बताया सीबीआई जांच कब से चल रही है कब तक चल रही है कोई बोल देख लो आप इसकी भी होता ये शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट उसकी जांच उसको भी कुछ हो गया नहीं वाला। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है हम उम्मीद है तो फैसला आएगा सरकार क्या चाहेगी अच्छा है बढ़िया बात है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला क्या है। ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जब वहाँ पे जांच कमेटी बैठ गई तो आप लोगों को धरना करना नहीं चाहिए। सरकार पावर आज सरकार है धर्मेंद्र जी बता रहे थे को मैं ये बोलना चाहता हूँ जो शिक्षा मंत्री है अपने इस्तीफा दो आपके बस की बात नहीं तो युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हो आप इस्तीफा दो। ये हमें करना जो सड़क से लेके संसद तक भी जाना पड़े तो जाना चाहेंगे हम सरकार से यही बोलते हैं आप नीट एग्जाम रद्द कर दो वापिस एग्जाम राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं वाले ने अभी वो भाषण दिया था हिंसक वाला और बीजेपी को और टारगेट किया था उन्होंने उनको टारगेट किया था ये चला रही है वो आज हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था सुई से लेकर एरोप्लेन आज कांग्रेस एरोप्लेन है ये क्या हो रहा है वो चाहते हम सरकार में आए वादे करके आए कि हम महंगा कम करेंगे सिलेंडर तीन हजार चार सौ देंगे पेट्रोल के करेंगे वादे सब फेल हो गए। रामदेव बाबा भी बोलते थे पेट्रोल देंगे मेरे विश्वास कम हो गए ये सरकार सस्ता करेंगे महंगाई का आज खाने खाने की हर चीज दे टैक्स से मांग गई राशन तो दे रहे हैं ना राशन तो दे रहे हैं आप ऐसे ढिंडो पीट रहे हो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आज आप ये जनता राशन के लिए आप कुछ आगे बढ़ो राशन से एक लॉकडाउन के कह दिया देश हिंदुस्तान को अनाज दिया है तो शर्म आने की बात है मेरा हिंदुस्तान अनाज ले जाएगा क्या ये बीजेपी वाले धर्म की राजनीति बुला रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं अडानी अंबानी की सरकार है आज अडानी एशिया का नंबर वन ये चंदा दो धंधा लो ये गलती है रफेल का मुद्दा बना आपको पता है राहुल गांधी ने संसद में भी रफेल का मुद्दा उठाया था रफेल का मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री थे वो रफेल 500 करोड़ की बनती थी हिंदुस्तान में उसकी लिमिटेड कंपनी बेंगलोर में थी यहाँ के युवा भी बेरोजगार पे थे लेकिन वो रफेल अपने की बात है राजनीति कर रहे हैं देश हिंदुस्तान किसी का प्राप्त नहीं है यहाँ पे उतना ही मुसलमानों का खून है वही हिंदू का खून है हिंदुस्तान सबका है सबका खून आप काट के दे लो सबका खून एक है ये धर्म की राजनीति बना रहे हिंदू मुस्लिम करते हैं हिंसा का काम करते हैं शर्म आने की बात है सरकार को कोई सरकार को बनाने में लग रहे हैं ये शर्म 400 पार का नारा लगाने वाले शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को मैं एक बात ही पूछना चाहता हूँ मोदी जी 78 साल हो रहे हैं इनको तो पूछो प्रधानमंत्री उन्होंने बोला कि पिछले साल का ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अब कुर्सी छोड़ेंगे क्या करेंगे इनको पूछो तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है ये तो हर राज्य में जाते हैं रिमोट पर्ची की सरकार है ये रिमोट से दबाते हैं अपने मन में आए उसको मुख्यमंत्री बनाए थे हमारे राजस्थान से वसुंधरा राजे सीनियर लेडी है अच्छी मुख्यमंत्री है लेकिन एक पर्ची की सरकार ने भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया ये रिमोट से सरकार चलाते हैं शर्माने की बात है इनको नहीं दिया। मैं ये बीजेपी युवाओं के लिए हम खड़े हैं
गठबंधन का कार्यकर्ता आपने सुन लिया युवा स्थान से लोग आए हुए हैं पेपर को लेकर मांगे कहाँ तक जायज है आप अपनी राय चैनल को सब्सक्राइब कर जाए।